तीन से छह के शो में पहुंच जाएंगे सबके सब। ये थोड़ी न्यूज़ है, ये न्यूज़ नहीं है। सब वजीर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछना, मैं सब आंसर करूंगा। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, क्योंकि ये दिल वाला है इसलिए। आप पहले इनसे पूछ लीजिए। मैं हाय, आप कल ही मिले हो ना मेरे से? हाँ, इट्स बीन गुड। आई थिंक जो भी सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, रिव्यूज आ रहे हैं, आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी टुवर्ड्स द फिल्म, एंड आई थिंक द ऑडियंसेस आर लाइकिंग इट, सो आई होप दैट कंटिन्यूज एंड आई होप वी सी सम अमेजिंग रिजल्ट्स। हे आज, ओह वाओ, ओके, आई हैव बीन मिसिंग हिम, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी हिम। हाँ, मैंने सोचा कुछ तो चेंज होना चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों? हाँ वो मैं नहीं आंसर कर रही। No, 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 no. I've just come from promotions. I'm going in and I'm going to screen. Actually, मेरे लिए बहुत special है because उन्होंने मेरे को अपना मेरा first award दिया था. So I'm always here for screen. So I'm here. I'm going to present an award. I'm going to meet Mr. Bachchan. I haven't met him for a long time. And yes, awesome. Thank you. Thank you. Thank you. Varun, come in. Happy New Year, guys. Happy New Year. क्या हाल है? I am performing. वर्णन मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली जब से मेरा लॉन्च हुआ है तब से मैं स्टार स्क्रीन अवार्ड्स पे परफॉर्म कर रहा हूँ, हर साल किया है, एंड लास्ट ईयर मैं इधर गिरा भी था, और इस साल भी हमारे पास एक बड़ा सरप्राइज़ है, और कुछ ऐसा सरप्राइज़ है जो शायद एयर में हो, शायद कुछ 50-60 फीट ऊपर हो, और कुछ पेट्रियोटिक टाइप का थीम है, सो आई गेस आई लीव दैट फॉर द पीपल टू सी ऑन स्क्रीन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी तो मिला। नॉमिनेटेड, ही इज डेफिनेटली इनक्रेडिबल एंड डिजर्व्स टू बी, व्हाट एवर ऑनर, व्हाट एवर पोस्ट ही गेट्स, ही डिजर्व्स इट ऑल। नहीं, मैं मिस्टर बच्चन से नहीं मिल पाया एक्चुअली, मैं अभी सीधा जाके परफॉर्म करूँगा और फिर बैठूंगा। रियली, मेरे को पता भी नहीं है। आई थिंक ऋषि सर डिजर्व्स इट, इज गिवन अ लाइफ टाइम सर्विस टू द फिल्म इंडस्ट्री, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऋषि सर। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर एज फार एज फिल्म्स आर कंसर्न, सो मेनी गुड फिल्म्स लाइक बाजीराव, बदलापुर, NH10, मसान, तलवार, सो ऑल दीज फिल्म्स डिजर्व टू गेट द रिकग्निशन दे डू, सो होपफुली 2016 विल बी अ इवन बेटर ईयर फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच। या ना, ये ओके 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 सर। दिलवाले ने बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड बनाया है, बेसिकली फैंस ने कंप्लेंट किया था हाई प्राइसेस थे टिकट्स के, तो क्या आपको लगता है अगर कम रहते तो ज्यादा? मेरे वो मेरे हाथ में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आई नो कि लोगों को लगता है कि टिकट प्राइसेस काफ़ी हाई है, मुझे भी लगता है काफ़ी हाई है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं फिल्में प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं प्रोड्यूस करता होता तो मैं कोशिश करता कि मैं प्राइसेस नीचे लेके आता, बट दैट्स नॉट आई थिंक इन द प्रोड्यूसर्स हैंड ऑल्सो, वो थिएटर ओनर्स, इट्स अ थिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इकोनॉमिकली। आई थिंक इट्स, आई होप वी कैन गेट द प्राइसेस डाउन, इट विल बी बेटर बिकॉज मोर पीपल कैन वॉच द फिल्म। थैंक फोटो ऑफ है, फोटो
Hi. How's it doing? Abhishek, right? Yes. See, I remember your name. Happy New Year. Happy New Year to you too. And how's it going? It's going very well. Exciting year ahead for me. My film's coming here on the 5th of Feb. So yeah, exciting, very exciting stuff. किस तरह का response मिला आपने? अभी तक तो बहुत अच्छा है. दो गाने आ चुके हैं. एक मर जाए और एक पीने की दवाना. I see that people are liking the songs. It's doing really well on YouTube. So yeah. I hope so. I hope at some level किसी को love सब love शुदा होंगे और प्यार के गाने पसंद आते हैं लोगों को और शायद थोड़े मशीने वाले गाने भी पसंद आए लोगों को. Absolutely. I think सपने पूरे होते हैं. That's why I think a lot of people come to Mumbai also, city of dreams in a way. And yeah, I mean for me, God willing, and everything has worked out very nicely. सपनों में फुल स्टॉप होता है मेरे ख्याल से जब आपका आखिरी मोमेंट होता है लाइफ में इस दुनिया में तो शायद होता होगा. थैंक यू.